हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है, ऑयल एंड गैस रिजर्व फाउंड इन पाकिस्तान रोस्ट है। मजाक हो रहा होगा। रोस्ट के अच्छा। लिथियम फाउंड इन इंडिया पाकिस्तान फनी रोस्ट। तो भैया उनको भी हो रहा होगा ना कि भैया वहां पे इंडिया में तो लिथियम मिल गया, मगर ये कह रहे हैं उनके वहां ऑयल एंड गैस मिला है, लिथियम नहीं। वो दोनों चीजें जिसका जिनका उनके लिए बुरा हाल हो रहा है, वो कोशिश करें रशिया से मिल जाए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, मजे आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लिथियम पर जल्द खत्म होगी विदेशी निर्भरता। जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का भंडार। पीर सुल्तान के कराची के इलाके मंगूपीर खैराबाद के करीब खाली मकान से दस्ती बम मिला है। इंडिया में लिथियम का भंडार क्या मिला? पोर्टों पर दुखों का सैलाब आ गया है। बंदे इस कदर उतावले हो गए हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल ढूंढने के लिए लाइसेंस तक जारी कर दिए गए हैं। मुल्क में तेल और गैस की तलाश के लिए 6 लाइसेंसेस जारी कर दिए गए हैं। जब कंपनियों ने पाकिस्तान में तेल ढूंढना शुरू किया, तो पोर्टों को खुदाई के दौरान मिला ये कंकाल, जो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है। भाई अगर आतंकिस्तान में और कुछ मिलने की उम्मीद भी क्या कर सकते हो, या तो बम या फिर असला बारूद। और अगर पोर्ट की इन चीजों का सही सलामत इस्तेमाल कर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। इस्लामाबाद की इस्लामी यूनिवर्सिटी से 3 से 4 रोज पुरानी लाश मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी पोर्टियों का कहना है लिथियम हमारे पास भी निकल आएगा। अबे कहाँ से निकल आएगा? पेड़ से। चलो गैस पेट्रोल निकालने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान तो पहले ही खोज चुके हो, अब क्या लिथियम खोजने के चक्कर में पृथ्वी के आर पार छेद करोगे? कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। भाई आज जो हाल इस बंदे का है, वही हाल कुछ सालों पहले कटोला खान का भी था। जिस तरह आज ये पाकिस्तान में लिथियम निकलने का ख्वाब देख रहा है, इस तरह कटोला खान भी अपनी आवाम को गैस पेट्रोल निकलने का ख्वाब दिखाया करता था। आगे समुंदर में गैस का कुआं खोदा जा रहा है, और हो सकता है कि वहाँ से इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कई बार से जरूरत पड़ेगी। खान ने अपनी आवाम को ये खुशखबरी दी, आवाम खुश। बंदों ने इस कदर जश्न मनाना शुरू कर दिया, गैस का भंडार ढूंढा ना जा रहा हो बल्कि गैस का भंडार मिल ही गया हो। जहाँ तक की पाकिस्तानी मीडिया ने तो उसे एशिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार ही घोषित करके रख दिया था। कराची के करीब जेर समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। वजीर आजम इमरान खान ने कौम को अच्छी खबर सुना दी, कहते हैं 3 हफ्ते में बाकायदा तौर पर खुशखबरी देंगे। फिर क्या हुआ? समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग के बाद टेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। हुक्काम के मुताबिक तेल और गैस का जखीरा नहीं मिल सका। नजर पाकिस्तानी मीडिया कल तक तेल निकलने का दावा कर रही थी, उनका तेल निकल गया। तेल न मिलने के बाद कहना था, अफसोसनाक खबर, मिल जाता तेल तुम्हारे न्यारे हो जाते, बड़ा मुश्किल वक्त है कौम पे। और उधर पाकिस्तानी आवाम, उनका तेल निकल गया, फिर निकलने की आस लगाई बैठी थी वो। उन्होंने तेल का दावा किया था, हम तेल की हरी खुशखबरी देंगे, लेकिन उन्होंने तेल निकालने के बजाय आवाम के तेल को निकाला। लगा कि बंदा कुछ सालों तक तो गैस पेट्रोल से बाहर निकलकर कुछ सोच ही नहीं पाया था। यहाँ तक कि जो आधा किलो के भाव बिकता है, वो तो बंदे ने सदमे में होने के कारण लीटर में बेच डाला। 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता, समुद्र से तेल न मिलने का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पोर्टो ने फिर से तेल मिलने का हल्ला मचा दिया। और इस बार तेल कहाँ से निकला? ये खुशखबरी सामने आ गई है कि समंदर से ना सही पंजाब के पोटोहारी इलाके से तेल निकला। तेल निकला उसकी हकीकत, लोगों ने जब बोरिंग करवाई है तो पानी और तेल एक मिक्स एक सब्सटेंस निकला है, जिसको जिससे तेल की बू आ रही थी, तो लोगों को लगा शायद ये तेल। गजब बेइज्जती है, मतलब बंदों को एक बार की बेइज्जती कम पड़ गई थी जो फिर से करवा ली। पता नहीं साले खुद की इतनी बेइज्जती करा कैसे लेते हैं। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। और उनमें से ही एक है ये पोर्की, जो हर बार लंबी लंबी फेंकते हैं और हर बार इन्हें मुँह की खानी पड़ती है, लेकिन बंदे फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, हर महीने मुँह उठाकर। अच्छी खबर यह है कि केपीके में तेल और गैस के जखायर दरियाफ्त हुए हैं। सिंध में तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ है। कोहाट से तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त कर लिए गए। मतलब बंदों ने पाकिस्तान में शायद ही कोई जगह छोड़ी होगी जहाँ से गैस और तेल न निकाला हो। मानो पाकिस्तान जमीन पर नहीं, गैस और तेल के समुंदर पर बना हो, कि जहाँ भी जमीन पर फावड़ा मारा
इस्लामाबाद के G13 में तेल निकल आया। और आवाम जिसका खुद का तेल निकल चुका है वो सुबह से ऑफिस जाने के लिए खजल खवारी हो रही है, कहीं पेट्रोल पंप पे गए हैं, कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा। मैंने इनसे कहा है मुझे पेट्रोल चाहिए तो कहते हैं नहीं है, खत्म हो गया। अब पहले पहुंचे तुम ये बताओ, जब तुम्हारे मुल्क में आए दिन इतना ही तेल निकलता है तो वो जाता कहाँ है? पानी की जगह तेल पी जाते हो या पानी की जगह तेल डाल देते हो? जो गाड़ियों में तेल डालने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि मुल्क में तो तुम्हारे इतना तेल निकलने के बाद भी लाइनें लगी हुई हैं। शहरों में पेट्रोल का बहरान शदीद होने लगा है। गुजरांवाला में 90% पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल पंपों से गायब है, हुकूमत डंडा उठाने पर तैयार। मुल्क में सिर्फ 10 दिन का पेट्रोल बाकी रह गया। चलो पोर्टियो पेट्रोल छोड़ो, तुम ये बताओ आप लोगों ने नाश्ता किया? गैस आ रही है आपकी घर? आ रही है? 2 महीने हो गए गैस बिल्कुल नहीं आ रही। गैस ढूंढने जाते हैं सुबह ही निकलते हैं लेकिन कहीं मिलती नहीं है, इलाके में कहीं मिलने खराब गैस जो नहीं। और भाई इनकी ये हालत तब है जब पाकिस्तान में अंधाधुंध गैस के भंडार मिल रहे हैं। आपको बताया कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, सिंध में गैस के नए जखायर मिल गए। मेरी तो भाई ये समझ में नहीं आता कि कोई इतना मुफ्त कैसे हो सकता है, जबकि पोर्टियों की हालत। आजकल लोग गैस सिलेंडर उठाए फिरते दिखाई देते हैं मगर उन्हें गैस नहीं मिल रही। चूल्हे ठंडे, गीजर बंद, गैस छुट्टी पर है, लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अलमारी तोड़िए, कभी टीवी ट्राली तोड़ते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ कर जब खाना बनाया जाता है। अबे पोर्टियों अभी तो सिर्फ अलमारी तोड़ कर खाना बना रहे हो, अगर आप भी नहीं सुधरे तो पूरा मुल्क भूख कर खाना बनाओगे। क्योंकि भाई पोर्टियों का क्या है, बंदे पूरी तरह बर्बाद है लेकिन जोश जब तक हमारी गैरत जागेगी ना ये इंडिया भी हमारा ही होगा। भाई रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बंदे गैस पेट्रोल से लेकर एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। लेकिन इंडिया में अगर फटने का जोश ठंडा नहीं हुआ, उल्टा जब से पोर्टियों को इंडिया में लिथियम का भंडार मिलने की खबर मिली है तब से पोर्टी लिथियम बैटरीज बड़ी यूज में है। जो पाकिस्तान का हक है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए। मुंह में ले ले मेरा। हेलो, जब से कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने की खबर आई है पोर्टियों में कश्मीर लेने का जोश डबल हो गया है। कल तक जो पोर्टी सिर्फ कश्मीर को ही अपना कहते फिरते थे, आज उनका कहना है हम पूरे इंडिया के मालिक हैं, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया का मालिक बनने का ख्वाब देखने वाले पोर्टियों की हकीकत लाइनों में लगना पड़ता है। जलालत होती है, आटा नहीं मिलता। जो बेटा है ना ये जो खड़ा है, स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियां लेकर आया बैग में, घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। मेरे रोने को मत देखे, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। ना 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 रोते नहीं, आज मुझे भी भारत इस घर में मजाक करना अलाउ नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। भैया जी देख लो कितना इनके पास जो है तेल और गैस के भंडार हैं, जो न्यूज़ चैनल इतना बोल बोल के बता रहे हैं कि यहाँ मिल गया वहाँ मिल गया। अच्छा मुझे वो पाइप वाला भी समझ नहीं आया कि उसमें से वो कह रहे हैं कि पाइप में से तेल निकला, पर वो कह रहे हैं कि उसमें तेल जैसी स्मेल आ रही थी तो लगा उसमें बोले पानी और ऑयल मिक्स था। हाँ तो मतलब कहीं लीकेज हुई है कहीं। मैंने तो कहा था कि मुझे लगता है पाइप फाड़ दी होगी, मार गया और उसमें से तेल निकल रहा ऐसे कुछ। मैं तो वो सोच के बैठी हुई थी, पर देख लो ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरे पाकिस्तान में लोग ऐसे जिनको मुफ्त का खाने की आदत है कि भैया कहीं तेल मिल जाए वो मिल जाए। आधी जनता तो मेरे को लगता है कि इनका मीडिया जो है लोगों को एंटरटेन करता रहता है, पागल बना दिया। खाने को कुछ नहीं, फिर न्यूज आ जाएगी हाँ जी मिल गया तो लोगों को खुशी मिल गई, चलो मेरे को भूख लगी हुई है मगर बड़ी अच्छी न्यूज है कि ऑयल नेचुरल गैस मिल गई। इस तरीके से पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, मतलब फालतू फालतू। और ये तो पहली बार देखा है कि उनका कंट्री का हेड एक स्टेटमेंट देता है कि भैया हमारे बड़े सारे ऑयल आने वाले हैं और उसके 3 महीने बोलते हैं समुद्र से निकलेगा ये फलाना। इतना बड़ा मतलब कोई बोल भी सकता है उस वक्त अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी, और बाद में बोले सॉरी बॉस नहीं मिला। ये बोलो ना कि हम ढूंढ रहे हैं और लगता है कि शायद मिल जाए, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमको अभी से पता है कि उन्होंने इतनी सारी फुटेज दिखाई थी डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स की जो बोल रहे थे ऑयल नेचुरल गैस मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, और इतनी सारी के बावजूद अब ये हाल है। आई डोंट नो व्हाट पीपल आर डूइंग। लोगों को लगता नहीं है कि सारी न्यूज़ जितनी पाकिस्तान में आती है सब फेक है? उनको तो लोगों को ही देखना चाहिए सब फेक है भैया, जो बोलो सब बकवास। पता करने की कोशिश करनी चाहिए इसमें से सच्चाई, सच्ची न्यूज कौन देता है? मुझे तो लगता है कोई सच्ची न्यूज देता ही नहीं इनके। ऐसे लग रहा है सारी फेक, सारे ऐसी मिर्च मसाला बेकार की न्यूज टू गेट जस्ट गेट व्यूज। वहां पे एंटरटेनमेंट के लिए शायद लोग न्यूज देखते होंगे कि अगर एंटरटेनमेंट चाहिए न्यूज देख लो, ये फेक न्यूज देख के एंटरटेन हो गए आप लोग। कमाल की बात है यार, देख के इतनी हैरानी हुई है जिस तरह से इनकी हालात हैं। और उसके बाद भी अकड़ है जी कश्मीर चाहिए क्योंकि वहां पे लिथियम मिल गया, तो अब कश्मीर नहीं पूरा इंडिया चाहिए। हम देते हैं इनको इंडिया, ऐसा इंडिया देंगे कि पाकिस्तान कहाँ है और किसी को पता ही नहीं चलेगा मैप में। कमाल है, गुस्सा आता है वैसे सुन के जब ये ऐसी गंदी बातें करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स शेयर करना अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।